Good morning, all of you. Today we are having a new lesson here. That is from Moral Science. ठीक है, class 8th का lesson है. And this is a general topic here. You can say that you can't say this is a very big and bold topic, but this is a very very important topic for you. That is global warming. ठीक है. As you know that the global warming, what is the global warming? Global warming है क्या? ये सबको पता है. कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. जो ग्लोबल वार्मिंग है दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. जो ग्लोबल वार्मिंग है दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है. बट फिर भी पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर नहीं है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. आपकी ये बुक है जीके मोरल साइंस की और इसके अंदर 8th क्लास की बुक है. क्लास 8th के लिए ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा. दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग. यू कैन फाइंड आउट द पेंगुइन्स एट हियर. ठीक है, वेयर दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट इज एन आइस. ये आइस है. आइस के ऊपर ये लोग खड़े हैं. चारों तरफ क्या है? वाटर. तो व्हेन द पेंगुइन्स आर लुकिंग अराउंड दे आर फाइंडिंग वाटर एंड वाटर एंड द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग a little bit ice is there. So, ये पेंगुइन हम हो सकते हैं. अगर हमने अभी भी नहीं समझा या संभला तो आपको लगता होगा ये वर्ड है, आपने बार बार सुना होगा, आप फिर सोचते होंगे कि इसकी वैल्यू क्या है. चलो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कब? जब आज कोरोना है. शुरुआत में किसी को फर्क नहीं पड़ा, सीरियस नहीं थे, पर जब टाइम आ गया सीरियस हो. कितना नुकसान हो गया. हमारे साइंटिस्ट 100 साल से ज़्यादा से हमें इसको बॉर्न कर रहे, समझ जाओ, बट हम लोग अभी भी नहीं समझे. चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए. इट्स मे बी पॉसिबल दैट यू कैन गाइड सम पीपल मोर एंड दे कैन अंडरस्टैंड द बिग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. ये हमारी समस्या नहीं है. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान की प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इसके लड़ना होगा. अगर पूरी दुनिया नहीं लड़ेंगे तो दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. आप ये मत सोचिए कि अगर इंडिया लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है, बाकी हम लोग शांत है, हम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. इफेक्ट सब पे होगा. बिकॉज ग्लोबल वर्ल्ड जुड़ा हुआ है. ग्लोबल मीन्स होल वर्ल्ड. ग्लोब पूरी धरती ही है. ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या. ठीक है, तो बड़ा इश्यू यह आता है कि ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या. ठीक है, वार्म मींस गर्मी. ठीक है, तो गर्मी जो हीट पैदा करती है. ठीक है, अब पूरी दुनिया की गर्मी. तो ग्लोबल वार्मिंग वो होती है कि वी आर फाइंडिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. हमारे धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है. ठीक है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग है. अब बात आती है कि रीजंस क्या है, क्यों बढ़ रहा है लगातार. पहला, साइंटिस्ट कहते हैं कि सन, सूरज का जो प्रकाश है वो पिछले कई सालों में 4-8% इंक्रीज हो गया है. मतलब उसकी जो रोशनी है धरती पे जो आती है वो कई गुना बढ़ गई. ठीक है, एक तो उसका इफेक्ट है. दूसरा, हम धरती पर रहने वाले लोगों ने क्या किया है, अपनी एक्टिविटीज से. हमें कार में चलना है, एसी चलाना है, फ्रिज चाहिए ही चाहिए, पेड़ काटेंगे ही काटेंगे. तो बाय द ह्यूमन प्रोसेस यहाँ पर भी हमने अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश की है. अब इन दोनों के इफेक्ट से जो है अर्थ का टेम्परेचर लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गैसेस जो होती हैं, गैसेस के अंदर हीट होता है. आपने एसी चलाया, आपने कूलर चलाया, रूम ठंडा होता है, कैसे? कि बारिश हो जाती है? नहीं, वो गैस है. जो ठंडी गैसें होती हैं वो अंदर आती हैं और आपको रूम को ठंडा करती है. पर आपने कभी एसी का बैक साइड देखा है, फ्रिज का बैक साइड देखा है?
कितना हीट होता है, पानी टपकता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जितनी ठंडी अंदर करता है उससे ज्यादा गर्मी बाहर फेंकता है। ठीक है, हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री में है, कोयला से बिजली बनता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहां पर भी सब जगह गर्मी होती होती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है बता दिया, रीजन क्या है हमारी एक्टिविटीज, उसमें सबसे बड़ा रोल आता है CO2 का। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है अब आपकी वो गैस जो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 80% तक इसका रोल प्ले होता है। और उसके बाद नंबर आता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है वो कौन सी गैसेस होती है? अब ध्यान रखो, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो आपने देखा होगा, सपोज देयर कोई ठंडी इलाका है जहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको सूरज की रोशनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं शीशे का वो बनाते हैं घर। उसके अंदर क्या होता है, सूरज की रोशनी तो जाती है और जब एक बार थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसकी हीट वापस नहीं आ पाती। तो हमारा अर्थ भी ऐसा ही है, वो पूरे दिन भर सूरज से रोशनी लेता है, जो भी हीट होता है, तो सूरज जाने के बाद वो हीट वापस जाने लगती है। पर अर्थ का ऐसा प्रोसेस है कि उसकी कुछ हीट्स को अपने पास ऑब्जर्व कर लेती है, जो हमें रात में धरती को गर्म करने में मदद करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो धरती को इतनी ठंड होती, इतनी ठंड होती कि आप समझ नहीं सकते। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी जो बैलेंसिंग है वो लगातार चेंज हो रही है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब इफेक्ट की बात करते हैं। इफेक्ट क्या होगा भाई, मान लो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट ये आएगा कि जितने भी वाटर बॉडीज है उनका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। पानी 3 शेप्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैसेस बादल के रूप में पानी जो है, लिक्विड रिवर्स सी उसके अंदर है, और सॉलिड जो आइस के रूप में जो पोल्स पे है, माउंटेन्स पे है। अब ये माउंटेन्स क्या है? रिवर्स का रिसोर्स है, सोर्स है। ठीक है, सो इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज द आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट। जब आइस मेल्ट होगी तो उसका पानी कहाँ आएगा? रिवर में आएगा। रिवर ओवरफ्लो होगी तो क्या होगा? बाढ़ आएगा, तो उसको रोकना मुश्किल है। अगर सी का लेवल बढ़ जाता है तो समुद्र का पानी कहाँ आएगा? फिर शहरों में घुसेगा। और आप यकीन मानिए इससे इतनी बड़ी तबाही होगी कि शहर के शहर डूब जाएंगे, गांव के गांव खत्म हो जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो वर्ल्ड वार और परमाणु बम से भी खतरनाक होगा, कोरोना से भी खतरनाक होगा। इसलिए अभी भी समय है हमारे पास, टाइम है हमारे पास कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव इट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिकैपिटुलेशन आई एम डूइंग हियर, दैट इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, धरती का तापमान लगातार बढ़ता है। रीजंस क्या है? हमारी एक्टिविटी प्लस सन का जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअस लगातार चेंज हो रहा है, उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उसकी पावर्स बढ़ रहे, तो उसकी वजह से गर्मी होती है। ठीक है, इफेक्ट मैंने अभी भी आपको बताया कि क्या होगा, दुनिया डूब सकती है। और एक सर्वे है कि आने वाले 200 सालों के अंदर में समुद्र के किनारे वाले शहर, नदी के किनारे वाले शहर शायद डूब सकते हैं, जिसमें हमारी मुंबई है, जिसमें हमारा बनारस है, जिसमें हमारा चेन्नई है, बंगाल का कलकत्ता शहर है, ठीक है, अमेरिका के कई शहर हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। अब एक छोटा सा नजर डालते हैं, एक चार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, यू कैन फाइंड आउट कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? देखो, सबसे ज्यादा होता है पावर स्टेशन, जहाँ पे क्या बनती है? बिजली। आपके लिए एक बल्ब जलाने का कोई वैल्यू नहीं, मैंने एक तो जलाया, पूरी दुनिया में एक छोटा सा बल्ब भी जो होता है ना, तो उसके दो चीज होती है। एक होता है कि तो सबसे पहले हीट तो आएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी ना। दूसरी होती है कि वो बिजली खत्म किया आपने, फिर उतनी बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए फिर यहाँ पे काम होगा, फिर वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे होता है तो दैट इज 21.3%, दैट इज द पावर हाउसेस के अंदर, पावर स्टेशन के अंदर, जहाँ पे बिजली बनती है। सेकेंड नंबर पर आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सब कुछ बनता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर 16.8 है। ट्रांसपोर्ट, कार, बस, मेट्रो, ये वो, रेल, ट्रेन, 14% है यहाँ पे। देखो, एग्रीकल्चर फार्मिंग, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, बोलो सर खेती में कहाँ से हो जाएगा? हम उसमें बहुत सारे मैन्यूर डालते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, पर इंडिया में कई जगह पे खेती कैसे होती है? पंप से होती है।
उसमें डीजल से चलाया जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बिजली आ गई, बिजली का खपत होता है एग्रीकल्चर के अंदर, बड़े बड़े मोटर्स लगाए जाते हैं पानी के लिए, ठीक है। बाकी छिड़काने के लिए आप लोग फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो उसको बनाने में भी चीज़ें लगती है। तो एग्रीकल्चर का रोल कितना है, 12.5%। फिर फॉसिल फ्यूल्स, कोयला पेट्रोल, इसका कितना है, 11.1% है। और फिर रेसिडेंशियल एरिया जो होते हैं जहाँ पे हम लोग आप लोग रहते हैं, वहाँ से जो पोल्यूशन निकलता है 10.3% निकलता है। ये भी बहुत बड़ा पोल्यूशन है। आप सोचिए अपने घर में बैठ के आप कहाँ कहाँ पे कितना कितना पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अगला है बायोमास, ठीक है, ये कितना है, 10% का है। और बर्निंग ऑफ गार्बेज सिर्फ 3.4% है। बर्निंग ऑफ गार्बेज का 3.4% और सबसे ज्यादा कंसर्न हमारा यहाँ पे ही होता है, ठीक है। 3.4% कम नहीं होता, थोड़ा आसान है, कचरे को जलाना क्या है भाई, सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई, तो गवर्नमेंट को भी कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी तो रोक लगाओ सर, इन सबको भी रोकना जरूरी है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर है, तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, चेकआउट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन